भाई साहब ये तो तेजी तो बवंडर है, और ये ब्लडी, ओ भाई टक्कर हो जा, टक्कर टक्कर हो जा, वाह ओ हो। दोस्तों आज अभी से वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ आज को, और पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं दिखाने वाला था। तो दोस्तों आज के लिए हम लोगों का कुछ ये सीन है कि ये लॉन्चर जो आप लोगों ने डीवी लॉन्चर, बहुत कोई का ख़राब भी हो गया, मेरा भी फेक वाला तो हम लोग का ख़राब हो गया है, तो DIY कर रहे हैं ताकि हम लोग का ये स्प्रिंग वापस अंदर घुस सके, मतलब ये वाला जो अपने से वापस अंदर नहीं जाता है ना, तो उसी को हम ठीक करने वाले थे। तो इतना कुछ प्रोसेस हम लोग आगे बढ़ गया है, मेरे आइडिया के हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि इसको कुछ ऐसे खड़ा कर दूंगा, और यहाँ यहाँ से मैं मतलब इसको हुक करके मैं यहाँ पे दो होल दिख रहा होगा, यहाँ से मैं रॉड निकालूंगा इस तरह वाला थिन वाला, इस तरह वाला वायर मतलब रॉड। तो यहाँ से हुक करके मैं रबर बैंड यहाँ पर लगाने चाहते हैं, और यहाँ पे पाइप भी लगा सकते हैं, ये तो मैं वैसे बेरिंग वेरिंग लगाना था तो इसलिए हम भी लगा दिए। तो इस तरह कहीं पर एम सील करेंगे, और बाकी मतलब ये वाला स्प्रिंग को हटा करके ये सब हम लोग सील कर देंगे। तो एक को मैंने गलती से और एक प्रिंट किया था, लेकिन ये साइड बेरिंग ऊपर था, इस बार मैंने नीचे कर दिया है, ताकि मतलब हम लोग का टेंशन से जो रबर बैंड वाला टेंशन से हम लोग का तो निकल ना जाए, इसमें शायद निकल सकता था इस तरह। तो ये तो मैंने 3D प्रिंट किया ये दोनों को, और ये दोनों तो हम लोग का पेन है, तो मैं ग्लू कर दूंगा बाद में। तो यहाँ पे भी इसको हुक बनाने वाले थे, तो वो छोटा हो गया है, और ये वाला यहाँ पे घुसा दिए हैं पूरा दिख रहा है, तो ये वाला इस पे देखो, इस पे इसको मैंने होल किया है, इसको होल करके उसमें डाले हैं, समझ रहे, मैंने इसको खोला था। तो मैं वो सब पार्ट मैं दिखा दूंगा, शायद रिकॉर्डिंग भी है, 2-3 महीना कब से रिकॉर्डिंग था और अभी भी कंटिन्यू ही चल रहा है, मतलब पूरा दिमाग वाला लगा रहे हैं। तो चलिए तो हम एम सील कर देते हैं, और इसको एम सील कर देंगे पूरा ऐसे करके ग्लू करके, और बस यहाँ से हुक बस निकलेगा इस तरह। तो मैं सोच रहा हूँ हुक तो नहीं है, तो मैं किसी छोटा सा पार्ट को मैं मतलब पेन डाल दूंगा, और इस पर एक्स्ट्रा मैं लगा दूंगा ये वाला मेटल हुक जैसे, ताकि इधर उधर हुक हो जाए। अब भाई हम लोग का इलास्टिक बैंड नहीं है, मैंने बताया था कि रूम मैंने साफ़ किया है, और पता नहीं हम लोग का इलास्टिक कहाँ रखा गया है, तो ये वाला इलास्टिक भी मतलब यूज़ करेंगे गुलेल वाला। तो मैं सोच रहा था, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो कुछ इम्प्रूवमेंट होगा उस पर, तो बस इतना ही है। तो आज को हम एमसील कर देते हैं इसको, और कुछ देखते हैं कितना प्रोसीड हो जाता है, मैंने आइडिया बताया छोटा सा। ठीक है दोस्तों, मैं ये जोर तार करके जो भी है मैं बता दूंगा बाद में, कंप्लीट करने के बाद पता नहीं सक्सेस होगा कि नहीं, चलो ठीक है भाई। हेलो दोस्तों, तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया ये बनाने, और हम लोग का डीवी लॉन्चर को हम लोग का अंदर नहीं घुसता था स्ट्रिंग, अब अंदर घुस रहा है आराम से देखो, और ये सिर्फ खाली ये हम लोग का रबड़ में देखो स्प्रिंग निकाल दिए ये, लेकिन यहाँ पर मैंने एमसील नहीं किया है, एमसील नहीं किया है, थोड़ा सा यहाँ पर प्ले हो रहा है, प्ले मतलब हम लोग का मतलब ये वाला रोड ना सीधा नहीं है, तो हम लोग का इसलिए मैंने एमसील नहीं किया देखो। और यहाँ पर मैं ये करने के लिए मैं पकड़ करके यहाँ पर टच करके रखता हूँ, नहीं तो वापस फ्री हो जाएगा, और टाइट करने के लिए मैं घुमा देता हूँ, तो ये भी काम आ रहा है इसका, देखो देखो ओ भाई देखो, अभी नहीं घुसता, कभी कभी थोड़ा सा मैं इसको हिलाऊँगा तो वापस घुस जाएगा। शायद हमको एमसील भी कर लेना चाहिए था यही वाला फिक्स पोजिशन में, तो शायद मेरा ठीक हो सकता था, लेकिन मैं नहीं किया हूँ। और यहाँ पर मैंने स्क्रू सब नहीं डाला है, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकता है हम लोग का लॉन्चर, मतलब ये वाला स्क्रू मतलब यहाँ पे खोला था, खाली ऊपर नीचे टाइट करके हो गया है देखो। ओ भाई मज़ा आ गया, हल्का फेक लॉन्चर ठीक हो गया। चलो तो बेबलेट घुमा करके देखते हैं और कैसे घूमता है। ओ भाई हाँ, पहली बार में तो नहीं घुमा, सेकेंड टाइम में घूम गया, और ये काफ़ी रफ्तार है इसका देखो, वाह रफ्तार तो ठीक है देखो। ओ भाई और क्या चाहिए, देखो हम लोग का घुसता नहीं था, लेकिन बहुत मेहनत लगा है इसको। तो यहाँ पे मैंने ऐसे हुक करके यहाँ पे रबर बैंड मैंने डाला, वो बहुत गंदा वाला रबर बैंड है मेरा ऐसे, तो चलो अच्छा खासा घुमा, फिर से घुमा करके देखते हैं। ओहो
ओह नहीं हो रहा है, क्या हो गया? रुक जा, शायद हमको लगता है ना ये वाला ना नट स्क्रू हमको टाइट कर लेना चाहिए था, लेकिन क्या प्रॉब्लम हो रहा है दोस्त मेरा, रुक जा। तो दोस्तों कहीं कहीं हम लोग का अटक रहा है, पता नहीं फेक है ना क्या, कि पता नहीं हम लोग का बेबलेट में कुछ प्रॉब्लम है, हमको तो नहीं लगता है। और देखो भाई ऐसे तो लॉन्च सही से हो रहा है, फिर ये वाला हैसब्रो वाला देखो भाई सही से लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन ठीक है इसको मैं रुकूंगा नहीं, चलो फिर से करते हैं। देखो ये वाला तुरंत फॉल हो जा रहा है, रुको भाई ये फेक लॉन्चर है, ये हैसब्रो का है शायद, इसलिए क्या नहीं मालूम। तो और कोई है क्या, और कोई है जी? अखिलेश को देखते हैं कुछ, भाई इसमें तो घुस ही नहीं रहा है भाई, ये डीबी लॉन्चर नहीं घुसता है क्या इस पर? ओ अच्छा 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 मैंने ये लगाया है, रुको ये सब डिस्टर्ब करेगा। चैन वेलकरी को देखते हैं, ओ भाई घुस कैसे नहीं थे हमको भाई, डाउट लगता है ये, एक तो घुस नहीं रहा है, लॉन्च कैसे होगा ये? चैन वेलकरी भी हम लोग का गया, मतलब हम लोग का घुस नहीं रहा है। ओ भाई ये वाला जिलियन जूस देखते हैं, ठीक है जिलियन जूस तो लॉन्च हुआ, देखो इस बार लॉन्च नहीं हुआ। ओ भाई रुजा, ओ भाई घिर कैसे रहा है? वो लॉन्चर में भी इशू है लगता है, हमको लगता है शायद ये में, हमको नहीं मालूम। हाँ लॉन्च तो हो गया भाई, ठीक था ठीक था भाई, हमको भाई वाह, ओ ओ हो रफ्तार से तो लॉन्च हो रहा है हम लोग का, हमको कहीं पर डाउट लग रहा था कि मतलब होगा नहीं होगा, लेकिन रफ्तार तो है दोनों में। वाह तो देखो दोस्त ये वाला लॉन्चर हम लोग का ठीक हो गया, कहीं कहीं प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि मैंने सीधा ये वाला गियर में ये किया है, अंदर वाला बड़ा वाला गियर में ये रबर लगाते तो हमको लगता था शायद ज़्यादा जो स्प्रिंग मतलब घूमता है, स्प्रिंग वाला जो करता था मतलब घुसाता था मतलब वापस टान के लाता था उसमें हम डालते तो मेरा भी शायद तो ऐसे ही होता, यानी कि ये वाला तो यहाँ पर हम लोग को डालना पड़ता तब जाके अच्छा होता, ये वाला हुक यहाँ पर ये वाला गियर में करते तब जाके अच्छा होता, तो स्प्रेड करना पड़ेगा कुछ हमको देखना पड़ेगा। कुछ सजेशन है तो ज़रूर बताइएगा। ये होल्ड नहीं हुआ था, देखो भाई ये होल्ड हुआ अच्छा से नहीं लॉन्च हुआ, कोई बात नहीं। ये वाला हेवी वाला अच्छा से लॉन्च हो रहा है ये वाला, कभी कभी ये भी अच्छा से लॉन्च हो जा रहा है, शायद हमको और टाइट करना पड़ेगा, ऐसे हम और टाइट करेंगे ना वो तो और टाइट हो जाता है घुमाने से। तो यही था दोस्तों छोटा सा वीडियो था, ये मैंने अपना डीवी लॉन्चर ठीक किया, आप लोगों को कैसे लगा? थोड़ा सा मैं छः चार कर सकता था, ज़्यादा रबर बैंड लगाते शायद जल्दी से और स्पीड घुस जाता। तो LR के मतलब दोनों साइड कर सकते हैं, ये तो उठा करके ये साइड L वाला स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, L वाला करके देखे क्या, रुको L वाला बेबलेट मतलब लेफ्ट साइड वाला बेबलेट, हमको लगता है ये सब स्क्रू नहीं लगाए हैं शायद, इसलिए शायद ये हो रहा है मे बी, हमको नहीं मालूम इतना, हमको बहुत पहले खोले थे स्क्रू खो गया है, कितना सिली मिस्टेक देख रहा है। ओ भाई ये ख़त्म हो गया, ये मतलब स्प्रिंग मतलब वापस हमको ये करना पड़ेगा तब जाके ये घुसेगा है इस तरह के, हाँ जो भी है देखो इस तरह हम लोग को ये स्ट्रिंग एक बार इस तरह घुमा करके स्ट्रिंग घुसाना पड़ेगा इस तरह ये रबड़ बैंड घूम रहा है, देखो आप लोग गौर कर रहे हैं तो रबर बैंड में ज़्यादा फोल्स हो रहा है, देखो अंदर घुस गया दो तीन बार और कर लेते हैं, देखो देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अभी ये साइड हो गया L, तो मैं L बेबलेट लाता हूँ अपना ब्लडी, कल का ब्लडी जो था, चलो भाई देखते हैं क्या होता है। अरे वाह ये तो सही घूम रहा है,
OMG, लगाने था हमको, सही घूम रहा है। मैं थोड़ा रबर बैंड कम मोड़े इसलिए हो गया क्या? अरे भाई सही सही में घूम रहा है। रुक जा भाई, माइक रखने दो, हमको ये लाने दो, क्या बोलते हैं, गिल्टी को लाने दो, गिल्टी। यो यो यो, ये रहा हम लोग गिल्टी, देखते हैं हम लोग क्या होता है। गिल्टी लॉन्गिनियस, हम लोग पता नहीं दोस्त ये वाला भी घूमेगा कि नहीं। भाई लाइक लाइक तो बनता है, कमेंट कर दीजिए क्या छेड़छाड़ करना चाहिए था, क्या गलत था कि मतलब मेरा ऐसे हो रहा है, मेरा मतलब काम नहीं कर रहा है, या फिर हमको ही लॉन्च वॉन्च करने नहीं आता क्या, बोल करके कुछ भी बोलिए दोस्त, पॉजिटिव बोलिए, मोटिवेट बने रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना मेहनत लगा है। 3D प्रिंट की पाइप, पाइप PVC पाइप या फिर इलेक्ट्रिकल पाइप भी हम लोग डाल सकते थे, कितना मेहनत। तो यहाँ पे बेरिंग डालने के चलते ये मैंने ऐसे किया था। तो चलो भाई हम लोग गिल्टी लग जाए, गिल्टी का ही लॉन्चर है बाय द वे ये। भाई साहब ये तो तेजी तो बवंडर है, और ये ब्लडी, ओ भाई टक्कर हो जा, टक्कर टक्कर हो जा। वाह, ओ हो, गिल्टी का एकदम ब्लडी बाहर निकल गया। तो दोस्तों मजा आ गया, मुझे उम्मीद नहीं था एल साइट में हम लोग का इतना दमदार हो जाएगा। मतलब एल साइट वाला हमको लगता है गिल्टी वाला लॉन्चर था, इसलिए शायद हम लोग का मतलब लेफ्ट स्पिन वाला बेबलेट के लिए लॉन्चर था, इसलिए हो रहा है क्या? ओ भाई सही है, ओ भाई भाई रफ्तार तो गजब है भाई, देख रहे हैं, देखो देखो भाई इसका भी रफ्तार। ओ भाई रुक जा, ओ भाई, ओ भाई भाई क्यों कुछ ज्यादा चालक कर दिया क्या? रुक जा आराम से, हमको लगता है घिंचने से हो रहा था। ओ भाई ये ज्यादा ही तारीफ हो गया, रुको रुको ज्यादा फोल्ड करने दो। चलो इसको फिर से गिल्टी को करते हैं शायद हम लोग। हाँ भाई ये हेवी वेबलेट को बहुत जबरदस्त लॉन्च कर रहा है। रुको 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 रुको, ये उसका शायद क्या बोलते हैं इसका टीथ ये हो गया था, रुक जा शायद में भी इसको, अरे यार कैसे हो गया भाई, इज्जत का फालूदा कर रहा है। हाँ भाई इसका टीथ ये हो गया था, लेफ्ट बिबलेट के लिए जबरदस्त है। और कोई लेफ्ट वाला है क्या मेरे यहाँ? रुको अभी हाथ में तो नहीं है, बस बहुत मजा आ रहा है हमको। रुक जा रुक जा रुक जा, ठीक है ना सब कुछ? हाँ भाई साहब। तो दोस्तों यहीं पर मैं खत्म करता हूँ, हम लोग का लॉन्चर काम कर रहा है। वाह, वो टक्कर टक्कर, देखते कौन जीतता है भाई, कम ऑन कम ऑन। वाह गिल्टी हमेशा जीत गया, गिल्टी नहीं जीतेगा कैसे होगा। तो दोस्तों यही था हम लोग का छोटा सा वीडियो, मेहनत जबरदस्त लगा है, दिमाग जबरदस्त लगा है, बहुत सारा लॉन्चर भी बनाया मतलब हम लोग का यूट्यूब भैया बेब्लेडर ये वाला, लेकिन मैंने ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले देख चुका था, और जो जो हेलीकॉप्टर लॉन्चर से लॉन्च होते हैं ना, उससे मैं बचपन में खेला करता था, मतलब एगो बेब्लेड था उस टाइप का, तो मतलब इसी रबड़ रहता था बीच में, इलास्टिक बैंड रहता था, ये रबड़ बैंड है लेकिन वो इलास्टिक बैंड रहता था, तो यही वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किए। तो इस तरह है, शायद हम लोग अंदर वाला गियर में इसको लगाते शायद हम लोग को, हाँ कुछ तो नहीं है काम, खाली इलास्टिक का तो हम लोग का है, मतलब इसको वापस डालना, और ये घुस रहा है और क्या चाहिए, यहाँ डाले यहाँ यहाँ रखे कुछ नहीं। तो यहाँ पर राइट में हम लोग घुमा के लेके ज़्यादा चकमा मतलब ज़्यादा खुश मतलब ज़्यादा स्पीड ज़्यादा क्या बोलेंगे, ठीक से नहीं घुमा, एल एल शायद मैंने किया तो जबरदस्त ही घुमा। तो दोस्तों यही था वीडियो, कमेंट कीजिएगा कैसे कैसे लगा आपको, क्या क्या इसको चेंजेस कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में, टिल देन बाय बाय।